नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन तक में। तो दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार बोर्ड 2021 परीक्षा को लेकर, जी हाँ फ्रेंड, इंटर और मैट्रिक परीक्षा का डेट जो कि जारी हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका कब से कब तक परीक्षा होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और दोस्तों, बिहार बोर्ड से इसी तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल के बेल घंटी को जरूर से दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज की न्यूज़ पर और आपको बताते हैं कि आपका बिहार बोर्ड 2021 का परीक्षा कब से कब तक होगा। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं, देखिए लाइव हिंदुस्तान टीम नई दिल्ली की तरफ से ये अपडेट किया गया है। फ्रेंड, 7 अक्टूबर है आज, देख लीजिए यहाँ पर डेट आपका 7 अक्टूबर दिया गया है। ये 20:09 का, यानी कि 8 बजे आपका ये अपडेट किया गया है। दोस्तों, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम डेट 2021, बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक और इंटर 2021 की परीक्षा तिथि। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग हेडिंग में ऊपर देख लिए हैं। अब चलिए हम आपको डिटेल में आपको बताते हैं कि कब से कब तक कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम डेट 2021, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 10वीं और इंटर 12वीं 2021 की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान बुधवार को कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी, जबकि 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा का आयोजन होगा। जी हाँ फ्रेंड, आपका ये एग्ज़ाम फरवरी माह में आपका लिया जाएगा, मैट्रिक और इंटर दोनों का। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैट्रिक का दिया गया है 17 फरवरी से 24 फरवरी तक और इंटर का दिया गया है 2 से 13 फरवरी तक आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड हर वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित करता है। इस साल 15 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड 10वीं 2020 की परीक्षा दी थी। 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आपका परीक्षा है, जो कि आयोजन कराया गया था पिछले साल का, ये आपको दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस साल मई के अंत में घोषित हुए 10वीं के नतीजों में 96% मार्क्स के साथ रोहतास के हिमांशु राज ने टॉप किया था, और वहीं कुल 80.59% स्टूडेंट पास हुए थे। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार 480 मार्क्स, तीसरे स्थान पर 3 स्टूडेंट भोजपुर के शुभम कुमार, औरंगाबाद के राजवीर और अरवल के जूली कुमारी रही थी। वहीं बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा मार्च महीने में ही जारी कर दिया था। बोर्ड ने 24 मार्च को इंटर के परिणाम घोषित किए थे। इस बार कॉमर्स साइंस आर्ट्स स्ट्रीम में कुल मिलाकर 80.44% बच्चे पास हुए थे। इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 से आपका 3 से 13 फरवरी तक आयोजित कराई गई थी। बिहार बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस बार 12,05,390 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दोस्तों, यहां पर ये आपको बहुत बड़ी अपडेट आपको अभी अभी की निकल के आ रही है। आपका यहां पर देखिए इस सेंटअप का भी आपको डेट दे दिया गया है। देखिए, आपको दिया गया है सेंटअप की परीक्षा बिहार बोर्ड इंटर 2021 में जो भी छात्र परीक्षा देंगे उनका यहां पर सेंटअप का आपका 14 अक्टूबर से आपका सेंटअप परीक्षा लिया जाएगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड पहले ही इंटरमीडिएट 2021 की सेंटअप परीक्षा प्री बोर्ड की तिथि जारी कर चुका है। परीक्षा आपका है जो कि 14 से 21 अक्टूबर के दिन 2 पाली में ली जाएगी। हर दिन आपका है 2 पाली में लिया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वहीं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की परीक्षा में शामिल होंगे। सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा की तरह रहेगा। इससे छात्रों को प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगी। और वहीं प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से शाम 5 बजे तक आपको आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो जो भी छात्र 2021 में परीक्षा देंगे, चाहे वो मैट्रिक के छात्र हो चाहे वो इंटर के छात्र हो, आपका है डेट जो कि घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम आपको बताए हूँ। तो इस दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के पास में, फ्रेंड में, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक व इंटर का परीक्षा तिथि जो कि जारी कर दिया गया 2021 के लिए। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल को इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।